एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बायोटिक की ये वॉलनट फेस स्क्रब की रिव्यू, जो कि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को पॉलिश करने में भी ये हेल्प करता है। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं। एंड ये आयुर्वेदिक रेसिपी के साथ आता है, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट के साथ ये आता है। एंड ये 100 ग्राम प्रोडक्ट क्वान्टिटी के साथ आता है दोस्तों। इसे मैंने नायका से लिया है, इसका प्राइस है 144 रुपीज। ओके, एंड ये एकदम ही वॉलनट के साथ ये बना हुआ है ये प्रोडक्ट, एंड ये वॉलनट ऑयल के साथ ये बना हुआ है। इसमें विटामिन है, इसमें नीम है, एंड इसमें राइस है, इसमें बहुत सारे वो चीज़ है जो आपकी स्किन को बहुत हद तक ये ग्लो करता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट करने में ये हेल्प करता है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को ये दूर करता है, ड्राई लाइंस को ये दूर करता है। इसमें मिंट है। सो दोस्तों, ये जो स्क्रब है इसे आप जब भी अपने फेस पे अप्लाई करें तो आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से फेस वॉश करके वॉश कर लीजिए, देन आप स्क्रब अप्लाई कीजिए। एंड स्क्रब अप्लाई करने से आपकी डेड सेल जो है वो रिमूव हो जाती हैं, एंड स्क्रब अप्लाई करने से आपकी फेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ लगने लगता है। आपकी फेस से सारी जो पॉल्यूशन है वो बाहर निकल जाता है। आप सारा दिन अगर बाहर काम करती हैं एंड आपके फेस पे बहुत सारे धूल मिट्टी आ जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए स्क्रब बहुत ही ज़्यादा डीप क्लिनजिंग की काम करती हैं। एंड फेस वॉश करने से ही खाली नहीं होता है, आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको स्क्रब करना ज़रूरी होता है। एंड स्क्रब अच्छी तरीके से कीजिए। एंड ये वॉलनट ऑयल के साथ बना हुआ है, एंड वॉलनट के साथ ये बना हुआ है, तो ये आपको अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट भी करती हैं, आपको अच्छी तरीके से पॉलिश्ड भी करती हैं आपकी स्किन को। एंड ये स्क्रब मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड इसकी जो खुशबू है वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। एंड ये आपको स्पॉटलेस रेडिएंट ग्लो देती हैं, आपकी ड्राई लाइंस को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। एंड आपकी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपकी स्किन को बहुत हद तक ये पॉलिश करते हैं, आपकी टेक्सचर को जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ करते हैं, एंड प्यूरिफाइंग करते हैं आपकी फेस को। एंड सो इसमें बहुत कुछ है जो आपकी स्किन को बहुत ही हद तक ये स्मूथनिंग करने में हेल्प करती हैं, आपकी स्किन को बहुत ही हद तक ये स्मूथनिंग करने में हेल्प करती हैं दोस्तों। एंड इसे आप जेंटली अपने फेस पे पानी देके आप इससे मसाज कीजिए, एंड उसके बाद आप इसे 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप इन्हें वॉश कर लीजिए, एंड उसके बाद आप कोई सा भी फेस पैक अप्लाई कर सकती हैं या तो फिर आप डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो दोस्तों, बायोटिक की ये जो वॉलनट स्क्रब है इसका पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है, न्यूट कलर का पैकेजिंग है इसकी, एंड इसका ट्यूब भी बहुत बड़ा है, एंड 144 रुपीज़ इसका MRP है। इसकी खुशबू बहुत ही सुंदर है, एंड ये आपकी स्किन को जेंटली क्लीन करता है, एंड आपकी डेड सेल को रिमूव करता है। ये एकदम 100% वॉलनट ऑयल से बना हुआ है, वॉलनट से बना हुआ है, एंड ये आपकी ड्राई लाइन्स को भी दूर करता है, आपकी स्किन को साफ सुथरा बनाता है, सॉफ्ट करता है आपकी स्किन को। एंड डेली बेसिस पे आपको स्क्रब नहीं करना चाहिए, आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको स्क्रब का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मैं यहाँ पे पानी दे दे के अपनी स्किन को साफ कर रही हूँ, एंड स्क्रब करने से पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ये डीपली क्लींस हो जाता है, एंड फेस पैक लगा के मैं मॉइस्चराइज ज़रूर करती हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, तो आप पॉलिश करने के लिए ये स्क्रब डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ये आपकी स्किन को बहुत ही हद तक एक्सफोलिएट एंड पॉलिशिंग करने में हेल्प करती हैं, जो आपकी स्किन एकदम चमकदार हो जाएंगी, आपकी स्किन पे सारे डेड सेल रिमूव हो जाएंगे, एंड डेड सेल की वजह से आपकी स्किन ड्राई लगती हैं, रूखा सूखा सा लगती हैं। एंड इसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर से अप्लाई करें, टोनिंग ज़रूर से अप्लाई करें, टोनर अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोनर भी मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं, आप जाके चेक कर सकती हैं। एंड
सो एक्सफोलिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन को। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फिर एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर से हिट करके रखिएगा ताकि मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास इजीली पहुंच सके। समय मिलती हूँ आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय एंड खुश रहिए।